हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं पशुपतिनाथ टेंपल पे आए हैं और हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए। और बाकी देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे कैसा है। पता नहीं अंदर कैमरा अलाउ है नहीं है, बट देखेंगे जैसा भी होगा। तो चलिए चलते हैं। चलो तो गाइस अभी हम प्रसाद देख रहे हैं मंदिर जाने के लिए। और यहाँ पे रुद्राक्षों के साथ जो ऐसे प्रसाद है वो लगभग 250 रुपए नेपाली। तो गाइस यहाँ पे देखो मंदिर के अंदर का ये आर्किटेक्चर कैसे इतना बढ़िया डिजाइन वगैरह बने हैं कार। और देखिए यहाँ पे कितने सारे कबूतर दिख रहे हैं। और सामने मेन गेट है पशुपतिनाथ टेम्पल का। कैसा लग रहा है तुझे? सो गाइस ये सामने मेन मंदिर का गेट है पशुपतिनाथ टेम्पल का। और यहाँ से जस्ट इंटर करते ही सामने आपको मंदिर दिख जाएगा। और भाई साहब काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं दर्शन करने के लिए। और हेमू आगे भग गई, तो देखते हैं कैसा रहता है। अंदर तो अलाउ नहीं है वैसे कैमरा, बस ये गेट तक ही ले जा सकते हैं, उसके आगे नहीं ले जा सकते। तो सामने वो बड़ा सा नंदी दिख रहे हैं और जस्ट उसके सामने ही टेंपल है। अब इस गेट से अंदर नहीं ले जा सकते, देखते हैं। सो गाइस हमने मंदिर तो दर्शन कर लिए महादेव के, और अंदर तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। और हेमू से पूछते हैं हेमू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे तो बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ी भीड़ थी, लेकिन ये कि जैसे खुद को शांत रख के वो फोकस अगर करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे जो भैरवनाथ की एक मूर्ति थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक आध मतलब मूर्तियाँ ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो मतलब कहीं देखा नहीं है पहले, जैसे भैरवनाथ जी की थी और एक काली माता की छोटी सी मूर्ति थी बट बहुत अलग थी, बिल्कुल जैसे एकदम स्केलेटन जैसी, बहुत यूनिक सी मूर्ति थी, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। मंदिर का जो डिज़ाइन इतने मतलब गजब ही कार्विंग कर रखा है ना मंदिर, इतना सुंदर लग रहा था। मतलब मेरे को तो वहाँ से अंदर से बाहर आने का मन नहीं हो रहा था, मन हो रहा था यही काफ़ी देर तक बैठा रहा हूँ, बट ठीक है। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम ट्रेडिशनल, बहुत बड़ा। और बाकी देखते हैं कैंपस में थोड़ा आसपास घूमते हैं, मंदिर देखते हैं, जैसा भी होगा दिखाएंगे आपको। और पीछे जाएंगे, पीछे साइड में नदी बहती है और वहाँ पे लाश वास भी जलाई जाती है, जस्ट मंदिर के पीछे ही है, तो वो भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए ये पूरा ग्रीन ग्रीन रुद्राक्ष सब दिखा रहे हैं। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है और यहाँ पे आपको एक ये रिवर दिख रही है, यहाँ पे ऐसे लाश वास जला रहे होते हैं। और ये टेंपल देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है पशुपतिनाथ का मेन टेंपल। और देखो उधर बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है वो ऐसा पूरा बना हुआ। और इधर देखो लाशें जल रही है, पूरा ऐसे लाश जल रही है। घाट है वैसे एक तरह से, ये जैसे हमारे मड़कड़ी का घाट होता है वैसे यहाँ पे घाट है। कैसा लग रहा है तुम्हें नेपाल आके? अच्छा है, राम्रो, बहुत ज़्यादा राम्रो। सो गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से जाके देखते हैं कैसा व्यू है और दिखाएंगे ऊपर जाके। मस्त लग रहा है वैसे यहाँ पे, ऐसे जो ये मंदिर जैसे बने हैं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। यहाँ ऊपर से व्यू देखो कितना प्यारा दिख रहा है यार, गजब भी लग रहा है, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो गाइस अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे एक स्तूप है, क्या बौद्धनाथ स्तूप। बौद्धनाथ स्तूप वो नेपाल का सबसे बड़ा स्तूप है और वर्ल्ड के सबसे बड़े स्तूप में से आता है। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज में भी है यूनेस्को से ना। बहुत बढ़िया, तो चलिए चलते हैं, हम भी देखेंगे आपको भी दिखाएंगे, फुल मजे करेंगे। तो
गाइस हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हो, देखो पूड़ी है, सब्जी और रसगुल्ला भी मिला है, बाबरे की क्या चीज़ें और जलेबियाँ भी मिली। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो रहा है यार, मतलब उनका जो मंत्र पढ़ रहे थे ना, जो मजेदार ऐसे उनके जो वाइब थे, वाइब्रेशन आ रही है ना उनकी, बहुत ही गजब ऐसा लग रहा है जिसकी अंदर से कुछ बज रहा है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, पेंटिंग्स और धर्म चक्र कितना खूबसूरत बना रखा है सब, वॉल पेंटिंग्स इसके सामने है स्तूप ये। सो गाइस अभी हम स्तूप का परिक्रमा लगाने वाले हैं। यहाँ पे चल रही है बाद नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बुद्धा चित्ता मिलता है, जैसे हमारे यहाँ रुद्राक्ष होता है वैसे यहाँ पे बुद्धा चित्ता है, इसमें आईज बनी रहती है ऐसे, तो इसे रुद्राक्ष की ही तरह माना जाता है। ये देखो बिच्छू घास, हमारे यहाँ पे तो इसको ऐसे फेंक देते हैं, यहाँ पे तो बिखरा है। पूछो जरा कैसे दे रहे, पूछो जरा कैसे दे रहे, ये कितने का है? ये 100 रुपए का एक पैकेट है। इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे सूना शिष्णु बोलते हैं। इसको दवाई होता है, यहाँ सूना से तो दो दिन समय पीछे चीट करता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे होता है, होता है सर, संसार में होता है ये। पहले मैंने ये, सो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं खावालुंग मॉनेस्ट्री और यहाँ पे तो मिठू के दोस्त के पास आए हम उससे मिलने के लिए। एक्चुअली मॉनेस्ट्री में होता क्या है? मॉनेस्ट्री पे मॉन्क्स लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, मतलब ये आपका टेंपल हुआ? हाँ, और रहते भी इधर ही हो? हाँ, इधर साइड साइड में हम रहते हैं और बीच में मेन टेंपल है, वहाँ पर हम पूजा करते हैं। ओके, सो गाँव पे। अच्छा, मीन जैसे आपने फैमिली को छोड़ के आप इसमें आ गए हो ऐसा? तो वैभव का दोस्त भाई मिल गए हमें, वैभव को हेलो बोलना। शुक्रिया। हाँ, टोटली मॉन्क्स बनने के लिए तो छोड़ना पड़ता है, मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसीलिए। हाँ, कभी कभार जा सकते हो फैमिली के मिलने के लिए। कितना टाइम हो गया आपको फिर? तीन साल फैमिली को ना देते हुए। यहाँ आए तो हम 6 साल हो गए, 6 साल से यहाँ पे। तो ये श्री है हमारा छोटा मॉन्क, श्रींग बहुत बढ़िया। वैभव को हेलो बोलो, हेलो बोलो वैभव को। काउंटर बहुत क्यूट सा और 50 रुपीज पर हेड हमारा लग रहा है से। सो गाइस यहाँ पे ना सभी अपने ऐसे विश मांगते हैं, कॉइन फेंक रहे हैं, पूरे इसके अंदर कॉइन भरा पड़ा हुआ है। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं कैसा रहता है। और ये है स्वयंभूनाथ टेम्पल और यहाँ पे अभी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है।
और ये देखो मुंह खरीद रहे सालिग्राम पत्थर। वाह जैसे हम ऊपर आ गए ना यहाँ ऊपर आके मस्त हवा ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अरे वाह ऊपर जाते हैं ऊपर चढ़ाइए थोड़ी सी फिर चलते हैं देखते हैं कैसा है स्वयं भूनाथ बहुत नाम सुना था। वैसे मतलब काठमांडू का हमारा ट्रिप ऐसा रहा जैसे धार्मिक ट्रिप। हाँ मंदिर गए हम स्तूप गए और फिर वो मोनेस्ट्री गए और अभी ये फिर से टेंपल जा रहे हैं मंदिर। तो भाई ये देखो कितना बड़ा यहाँ सा लग रहा है यार स्तूप भी ना ये तो स्तूप बना हुआ है वाह बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। और यहाँ म्यूजिक चल रहा है म्यूजिक देखो तो गाइस ये सामने जो टेंपल दिख रहा है ना ये हारती माता का मंदिर है और बहुत अच्छा है बस ये कि सामने से फोटोग्राफ और वीडियो बनाना मना है। और ये स्तूप देखो कितना सुंदर लग रहा है यार सब्सक्राइब करें। समझ जाएगी से अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए जहाँ भी हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर बाय।